तलाक विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में भी पास हो गया और उससे पहले ये विधेयक लोकसभा में बीते 25 जुलाई को पारित हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास हो गया है। राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पर करीब 4 घंटे बहस के बाद आखिरकार ये बिल पारित हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया था और तीन तलाक विधेयक लोकसभा में 3 बार पारित हुआ, लेकिन ये 2 बार राज्यसभा में अटक गया। केंद्र सरकार ने तीसरी बार इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति की सहमति के बाद तीन तलाक का विधेयक कानून की शक्ल लेगा, कानून बन जाएगा राष्ट्रपति की सहमति के बाद। आपको बता दें कि पिछली लोकसभा में पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था, जिसके बाद सरकार इसके लिए अध्यादेश लेकर आई थी और इस लोकसभा में फिर से कुछ बदलाव के साथ ये बिल को फिर से लाया गया था और अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में सरकार सफल रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ऐतिहासिक बिल तीन तलाक का पास हो गया है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून की शक्ल आपको बता दे ले लेगा बिल। खून या शादी के रिश्ते वाले सदस्यों के पास भी केस का अधिकार होगा। जो अहम बातें इस बिल में है वो भी आपको हम बता रहे हैं। पड़ोसी या कोई अनजान शख्स मामले में केस नहीं कर सकता दर्ज, और साथ ही साथ मौखिक लिखित सोशल मीडिया पर तलाक पूरी तरह से अमान्य होगा। जिस तरह से हम देखते हैं कभी फेसबुक के माध्यम से, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी कॉल के माध्यम से जो तलाक दिखाए वो पूरी तरह से अमान्य होगा। आरोपित पति को 3 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। तो ये कुछ अहम बातें हैं इस विधेयक में जो आपको बता रहे हैं। आरोपी को जमानत तभी मिलेगी जब पीड़िता का पक्ष सुना जाएगा, उससे पहले उसको जमानत नहीं मिलेगी। पीड़िता के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति। रोटी काली हो गई, ट्रिपल तलाक। पति ने सब्जी के लिए पैसा मांगा, ट्रिपल तलाक। सर एक और रोचक बात यह है सर कि ही वाज फोर्सिंग द वाइफ, ही वाज द मोबाइल वेंडर सर, कि पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए उसके विरोध किया। इंटरनेट और ईमेल पे गुस्से में तलाक दे दिया जाता था और उसके हलाला के लिए कहा जाता था। आज ये तीन तलाक की, तलाक बिदत की ये कानून बना है, जो चीज़ हमारे उलमाए किराम को ये काम करना चाहिए था, हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड को, उलमाए किराम को ये तलाक बिदत पे रोक लगानी चाहिए थी, क्योंकि तलाक बिदत अल्लाह को पसंद नहीं। तो जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं उसको प्रैक्टिस में क्यों बढ़ाया गया? आज उसका कानून बन गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय न्याय कानून मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी का भी और सभी पार्लियामेंट के सदस्य का मैं शुक्रिया अदा करती हूं और बधाई देती हूं। जो चीज़ तीन तलाक का विधेयक पारित हुआ है, यानी तीन तलाक अब कुछ ही दिनों में पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा, इसके लिए कानून बन जाएगा। ये केवल किसी मत, मजहब या जाति के लिए नहीं, बल्कि नारी गरिमा और उनके सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक था। नारी गरिमा और सम्मान की दृष्टि से तीन तलाक विधेयक का संसद में पारित होना भारत की संसदीय इतिहास का एक गौरवशाली दिन है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का नारी गरिमा के प्रति इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण कदम उठाना, इसके लिए अभिनंदन करते हैं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि नारी सशक्तिकरण की इस दिशा में इस बहुत बड़े कदम को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। जो सरल तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही वो भी हम आपको सुना रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर तीन तलाक जो विधेयक पास हुआ है उसको लेकर अपनी बात रख रहे हैं थे और बिल के पक्ष में आपको बता दें 99 वोट पड़े हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पास हो गया है।
रखें, हम जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वलिटी की बात करें, और ये अच्छा हो कि हम अगर महिलाओं की चिंता करते हैं तो हमें पुरुष की भी चिंता करनी चाहिए। यह कानून में कहीं ऐसा ना हो कोई स्वाभिमानी पति जो अपने परिवार के लिए कर्तव्य निभाता हो, अपनी ड्यूटी निभाता हो, उसके बाद भी किसी जाने अनजाने में किसी साजिश का शिकार हो जाए और जेल चला जाए, हम ये भी नहीं चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सामाजिक बुराई ख़त्म हो। तलाक बिदत अल्लाह को पसंद नहीं है, इसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। अब औरत के सर से तलाक का डर जो तलाक बिदत है उसको ख़त्म की होगा, और तलाक देने वाले जो तलाक बिदत को अपना अधिकार बनाते थे उनको भी डर रहेगा कि हमें सज़ा मिल सकती है। हाँ, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, जश्न है, ईद का दिन है, यह अधिकारों का और सम्मान का दिन है। धन्यवाद। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही वो भी अब आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि तलाक के बिदत यानी कि जो तीन बार तलाक 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 कहकर तलाक हो जाता था, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी फेसबुक के माध्यम से, कभी कॉल के माध्यम से, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इस तरह से मुआशरे में तलाक, खासकर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, तो नहीं दिया जा सकता है। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास हो गया है, 99% आपको बता दें वोट मिले हैं, 84% वोट इसके जो है मुखालिफत में गए हैं। पर्चियों के जरिए राज्यसभा में वोटिंग हुई थी, और फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं आ रही वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिल राज्यसभा में पास हो गया तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सच में महिला होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ कि जब पति ऐसे दोराहे पे छोड़ देता है कि महिला के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो मैं इन लोगों की खुशी एक महिला होने के नाते समझ सकती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि जितनी ये लोग खुश हैं उतनी मैं भी खुश हूँ, तो वो खुशी मुझे लगा कि मैं कैसे किसके साथ बांटूँ। मेरी यहाँ पे बहन है साधना अग्रवाल जी, मैंने इनको बोला, मैंने कहा बहन जी मैं आपके पास आ रही हूँ और अपनी जो बहनें हैं मुस्लिम बहनें मैं उनको मिठाई खिलाना चाहती हूँ। तो साधना जी ने ये सब यहाँ इधर क्षेत्र की बहनें हैं मुस्लिम बहनें, तो ये लोग आई और ये लोग भी बहुत खुश हैं इस बात को सुन के। इनको जानकारी मेरे से ही मिली है कि ये बिल पास हो गया और अब ये कानून की शक्ल ले रहा है, तो हम सब लोग आपस में मिलकर खुशियाँ बांट रहे हैं। Thank you.